देश के सबसे लंबे और मजबूत पुल बोगी बील पुल का मंगलवार को पीएम मोदी ने उद्घाटन कर जनता के हवाले कर दिया। ये पुल अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। इस पुल को बनाने में कुल 5,920 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मंगलवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन कर देश के हवाले कर दिया। ये पुल स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। सेना अब इस ब्रिज से आसानी से भारत चीन बॉर्डर तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि बोगीबील ब्रिज को देश का सबसे मजबूत ब्रिज में से एक बताया जा रहा है। पुल को बनाने में 5,920 करोड़ रुपए लग गए हैं। इस ब्रिज की खासियत यह है कि ये फाइटर जेट और जंगी टैंक का भार भी उठा सकता है। जहां इस पुल को लेकर सरकार की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ देरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज की आधारशिला 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने रखी थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और लचर रवैये से इसे पूरा होने में 21 साल लग गए। गुवाहाटी से तकरीबन 442 किलोमीटर दूर ये पुल 4.94 किलोमीटर लंबा है। ये देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। इस डबल डेकर पुल को भारतीय रेलवे ने बनाया है। इसके नीचे के डेक पर 2 रेल लाइन है और ऊपर के डेक पर 3 लेन की सड़क है। ये पुल उत्तर में धेमाजी को दक्षिण में डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा। पहले जहां धेमाजी से डिब्रूगढ़ की 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 34 घंटे लगते थे, तो अब ये सफर महज 100 किलोमीटर का रह जाएगा और 3 घंटे लगेंगे। इलाके के लोगों के लिए पुल एक सपना पूरा होने जैसा है। आइए आपको बताते हैं इस पुल की क्या है खासियत। इस डबल डेकर पुल को भारतीय रेलवे ने बनाया है। इसके नीचे के डेक पर 2 रेल लाइन है और ऊपर के डेक पर 3 लेन की सड़क है। इस पुल से फौजी टैंक भी जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी के हालत में ये पुल बहुत ही मददगार साबित होगा। अधिकारियों के अनुसार ये पुल एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल है। ये पुल अगले 120 साल तक सेवा दे पाएगा। इस पुल को बनाने में कुल 30 लाख सीमेंट की बोरियां लगी हैं। इस पुल के बनने से भारतीय सेना को भी भारत चीन सीमा के पास पहुंचने में मदद मिलेगी। पहले सेना को भी नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए कई घंटे का रास्ता तय करना पड़ता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी की हालत में ये पुल बहुत ही मददगार साबित होगा। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी का एक बड़ा वादा इस पुल को पूरा करने का भी था। इस पुल को देश का सबसे धीमा प्रोजेक्ट होने की बदनामी भी झेलनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।